नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन को आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर के साथ। जघन्य हत्याओं में से एक बिरनपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच कराई जाएगी, इसकी घोषणा विधानसभा में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। इस मौके पर सदन में मौजूद मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता और साथ ही कई लोगों की तरफ से कई बातें सामने आने लगी। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ईश्वर साहू की आंखें छलक गईं। एक बाप की आंखों से निकलते आंसू बता रहे हैं उसे इंसाफ की आस जगी है। ईश्वर साहू जो साजा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं, लेकिन साथ ही वो 22 साल के उस नौजवान के पिता भी हैं जिसकी एक समुदाय विशेष की भीड़ ने हत्या कर दी थी। विधानसभा सत्र के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की घोषणा की, तब एक पिता की आंखें भर आईं। उनके बेटे की हत्या हुई है हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहां तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के सबसे जघन्य हत्याकांड में से एक भूपेश्वर साहू हत्याकांड का मुद्दा विधानसभा में विधायक ईश्वर साहू ने उठाया। गृह मंत्री ने जब सीबीआई जांच की बात कही तब ईश्वर साहू सदन में भावुक हो गए। आप सीबीआई की जांच के मांग में पिछले सरकार से भी मांग रख रहे हो, लेकिन पिछले सरकार की नीति ठीक नहीं रही से तो जांच नहीं करे। अभी मैं सदन में ये बात रखे तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमला आश्वासन दी से कि सीबीआई जांच कराया जाए। आज जाके मुला मुर दिल संतुष्ट हो, आज दिल मुर दिल शांति मिली। सीबीआई जांच की घोषणा हुई तब हत्याकांड के वक्त सूबे के मुखिया रहे भूपेश बघेल का भी बयान आया। बोले सरकार को बहुत पहले इस पर फैसला ले लेना चाहिए था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले जांच की घोषणा की आवाज जरूर उठाई, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके शासनकाल में इसकी घोषणा क्यों नहीं हुई। बहरहाल बिरनपुर हत्याकांड एक पिता के लिए बेइंतहा दर्द का सबब है, लेकिन सियासी चश्मे से देखें तो एक दमदार चुनावी मुद्दा भी। इसे लेकर बीजेपी हर मोर्चे पर विपक्ष को पीछे धकेलने की कोशिश करेगी। आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच सियासी तापमान भी बढ़ने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के दौरे का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी के नेताओं के साथ जीत की रणनीति बनाएंगे, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे और उसके बाद जनसभा कर चुनावी शंखनाद का ऐलान करेंगे। छत्तीसगढ़ में सत्ता के सबसे बड़े संग्राम का मैदान सज चुका है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में मैदान मारने का मंत्र देंगे। हाँ, चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव, और उस निमित्त हमारे सभी वरिष्ठों का आगमन होगा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के नाम और चुनावी जीत की रणनीति बनाएंगे।
बैठक में अमित शाह बस्तर, कांकेर और महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग के जांजगीर में जनसभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी कोंडा गांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे और उसके बाद जांजगीर आकर वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से फिर बिलासपुर में सेंट्रल पॉइंट इंटरनेशनल सभागृह हाई कोर्ट के सामने प्रबुद्ध जनों की संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। माननीय अमित शाह जी के प्रवास को लेकर आम जनता कार्यकर्ता में काफी उत्साह का वातावरण है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का मैदान मार चुकी बीजेपी को ये भरोसा है कि लोकसभा की सभी 11 सीटें उसी के खाते में जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि अमित शाह कल जांजगीर चांपा आएंगे और यहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये दौरा अमित शाह का। अमित शाह चुनावों का शंखनाद करेंगे छत्तीसगढ़ में, जांजगीर से वो शंखनाद करेंगे, चुनावी शंखनाद उनका यहीं से होगा और बड़ी बात ये कि उनका संबोधन भी होगा, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए वाले कई विषय थे तो सबको निःशुल्क कर दिया गया। राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना अंतर्गत भी उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत भी परिवर्तन किए गए हैं, सब निःशुल्क किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में नया कार्ड सभी लोगों को वितरित किया जा रहा है। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस की बैठक हुई लोकसभा चुनाव को लेकर, दीपक बैज की अगुवाई में ये बैठक हुई। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा भी की गई और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। बेहद ही अहम इस बैठक को हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर हम जीतेंगे, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भले ही विधानसभा चुनाव में हमने जीत दर्ज नहीं की, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको देखते हुए दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और अलग अलग मसलों पर चर्चा की गई, चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया, क्लस्टर्स डिवाइड किए गए हैं और साथ ही जिम्मेदारी भी कुछ लोगों को क्लस्टर के हिसाब से दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जशपुर के बगिया गांव में सीएम ने बालक अनुसूचित जनजाति आश्रम में बच्चों के साथ केक काटा। सीएम साय ने बच्चों को अपने हाथ से केक भी खिलाया, तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने अपने परिवार के लोगों के साथ भी केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। वहीं अपने जन्मदिन पर सीएम साय ने दिव्यांग केंद्रों के लिए 25 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ, लेकिन जिस तरीके से वो जाने जाते हैं साधारण व्यक्तित्व के लिए, उन्होंने बच्चों के बीच में रहकर स्कूल में केक काटा और उन्हीं के बीच बैठकर भोजन भी किया, तो दूसरी तरफ परिवार के साथ मुख्यमंत्री ने जन्मदिन मनाया। माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनका भी आशीर्वाद मिला जन्मदिवस के उपलक्ष में। उपराष्ट्रपति जी हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आशीर्वाद मिला। वो मजाक भी कर रहे थे कि ये जन्मदिन सरकारी है कि सही में है। मैं बोला सही में है सर। माने गृह मंत्री जी और बहुत से वरिष्ठों का, सबका, राज्यपाल महोदय का, सबका आशीर्वाद मिला है और आप सब लोगों का भी अपार स्नेह आशीर्वाद मिला है। मैं फिर से, आप सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से, झारखंड से भी आए हैं,
इधर आपके पेंड्रा, गोरेला, चांपा, जांजगीर और सुदूर अंचलों से आए हैं, सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रायपुर नगर निगम का बजट पेश हो चुका है। महापौर एजाज डेभर ने नगर निगम का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए यह बजट पेश किया गया है और वो भी कुल 1,901,31,93,000 का बजट पेश हुआ है। बजट में क्या खास है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बजट पेश हो चुका है और इसी के साथ बजट की खासियत भी बताना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बजट में क्या खास चीजें हैं और इस बजट से क्या आगे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये बजट की खासियत आप देख रहे हैं। एक तरफ नगर निगम क्षेत्र में 10 वेंडिंग जोन तैयार किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 7 करोड़ की लागत से होगा कॉरिडोर का निर्माण। 8 करोड़ की लागत से मिनी टाइम स्क्वायर भी बनेगा। एनआईटी सिटी कोतवाली से जयस्तंभ चौक टाइम स्क्वायर बनेगा। लाइट मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ की परियोजना का प्रस्ताव दिया गया है। बातें हमने की थी, जो चीज अभी हमने बहुत सारी चीज ऐसे लाई हैं जो युवाओं के लिए है, बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो हमारी बहनों के लिए है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुजुर्ग। मैंने जो पहली बात बोली थी, और इस बार का जो बजट है कोई भी ऐसा बजट नहीं है जो एकदम हवा हवाई हो, जिसमें हम लोगों को बहुत सोचना पड़े, बहुत ज्यादा जमीन के बारे में सोचना पड़े, बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचना पड़े। हमारे पास पूरा जितने बजट मैंने अभी लाया है ये पूरे के पूरे इसी साल पूरे होंगे, ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा। और अब बात करेंगे बिलासपुर से आ रही बेहद ही अहम खबर की। चिला मुबारक दरबार से बड़ी संख्या में कुछ तस्वीरें मिली हैं, महिलाओं और लड़कियों की ये तस्वीरें हैं जिस पर निशान बनाए गए हैं क्रॉस के। अटल आवास में ये चिला दरबार बना, तस्वीरों पर क्रॉस का निशान लगा है, तस्वीरों का वीडियो भी सामने आ गया। मामला संदिग्ध पाया जा रहा है और पुलिस भी अलर्ट पर है। एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक अटल आवास पे, सरकारी अटल आवास पे एक मजार बना दिया गया है। उस मजार में सादिक खान और उनका पूरा परिवार झाड़फूक का काम करता है और कहीं ना कहीं पे वो झाड़फूक के नाम पे वो धर्मांतरण का भी बड़ा रूप लेते जा रहा है। क्योंकि जितने आप जब हम लोग अंदर वहाँ पे गए, अंदर जाके देखे, तो अंदर पे आप देखेंगे हमारे साथ में बहुत सारी फोटोज वीडियोज है, जितने भी अवैध काम हो वो वहीं से ही संचालित हो रहे हैं। इसका साफ सक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समाज सेवीगण उन लोगों ने जानकारी दी है मौखिक तौर पे कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह एक जगह मिले हैं, तो उसकी जांच के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। वो जाकर के चीज़ों की जांच करेंगे कि किन की फ़ोटोज़ हैं और क्यों वहाँ पर मिली है, और जो भी प्रकरण लोगों ने मौखिक रूप से जानकारी दी है उसकी जांच की जा रही है। तो वहीं कोरबा में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा गया है और वो भी नशीली दवाइयों के साथ। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। दीवार में छुपा कर सारी दवाइयां रखी गई थी। आरोपी की निशानदेही पर इन तमाम दवाइयों की बरामदगी की गई है। आप देखिए किस तरीके से दीवारों में इन दवाइयों को छुपाया गया था। ये नशीली दवा है जिनकी तस्करी हो रही थी, जिन्हें बेचा जा रहा था, जिन्हें सप्लाई किया जा रहा था इधर से उधर। फिर जाकर जब मामला संज्ञान में आया, पुलिस के निशानदेही पर आरोपी की भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को बरामद किया गया और साथ ही एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दीवार के बीचों बीच बड़े ही शातिराना अंदाज में इन दवाइयों को छुपाकर रखा गया था। लगभग 300 टैबलेट्स पकड़ी गई थी, परंतु उसकी बैकवर्ड लिंकेज को करते हुए हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ाया और पंतोरा जो कि जांजगीर चांपा में है, कल वहां से भी हमने 760 नग टैबलेट पकड़ी हैं। ये दो आरोपियों से जब्त की गई हैं और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इन लोगों ने अपने घर को एक तरह से खोखली दीवारों बना के, खो बना के उसके अंदर ये स्टोर कर रहे थे। इनको जब्त किया गया है, इनको अरेस्ट करके विधिवत धाराओं के अंदर जेल भेजा गया है।